हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि क्रॉप्टेड हार्ड डिस्क को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। हाउ टू रिपेयर ए क्रॉप्टेड हार्ड डिस्क। दोस्तों, क्रॉप्टेड हार्ड डिस्क रिपेयर करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का मदद लूँगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑनट्रैक डिस्क मैनेजर। आप ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उसको पेन ड्राइव के थ्रू बूटेबल कर सकते हो या फिर आप सीडी और डीवीडी में राइट कर सकते हो। उसके बाद आप बायोस सेटअप कीजिए। आपका फास्ट बूट डिवाइस, जो डिवाइस आप बूटेबल किया, उस डिवाइस को आप फास्ट बूट डिवाइस में रखिए। मैं यहाँ पे यूएसबी एक डीवीडी में जो ऑनट्रैक डिस्क मैनेजर है को इस डीवीडी में डाला, तो यहाँ पे फास्ट बूट डिवाइस यूएसबी सीडी डीवीडी सेलेक्ट किया हुआ, तो इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अडान डिस्क मैनेजर, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपका स्क्रीन में आएगा। आप देख सकते हो ऑनट्रैक डिस्क मैनेजर लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे एक मैसेज है, द फॉलोइंग ड्राइव इज नॉट सेट अप फॉर यूज योर सिस्टम। इसको मैं नो कर देता हूँ और ये कीवर्ड नेविगेशन को स्किप कर देता हूँ। अब देख सकते हो एक लिस्ट आया, ऐड ए न्यू हार्ड डिस्क, सेटअप हार्ड ड्राइव, मेंटेनेंस ऑप्शन और यूटिलिटी। यूटिलिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कॉपी ए पार्टीशन, सेट हार्ड ड्राइव साइज, जीरो फिल हार्ड ड्राइव फुल, जीरो फिल हार्ड ड्राइव क्विक। तो यहाँ पे जीरो फिल हार्ड ड्राइव फुल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। राइटिंग जीरोज टू द हार्ड ड्राइव, ये जो 0% आप देख रहे हो ये 100% तक होगा। तो 100% तक होने के बाद आपका जो क्राफ्टेड हार्ड डिस्क है, वो क्राफ्टेड हार्ड डिस्क आपका नया हार्ड डिस्क जैसा हो जाएगा। आप उस हार्ड डिस्क में नया हार्ड डिस्क की तरह आप सिस्टम डाल सकते हो और दोबारा आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, क्राफ्टेड हार्ड डिस्क रिपेयर करने का जो तरीका है, वो मेरा ये पहला वीडियो है जो ऑनट्रैक डिस्क मैनेजर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने आपको दिखाया कि आप क्राफ्टेड हार्ड डिस्क को कैसे रिपेयर करोगे। तो और एक रिपेयर करने का तरीका है मेरे पास, तो वो मैं दूसरा एक वीडियो डालूँगा। उस वीडियो के थ्रू दिखाएंगे कि आप कैसे क्राफ्टेड हार्ड डिस्क को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट प्लीज़ कीजिए। थैंक यू।